नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सिंह आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा आलोक पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि मुख्यमंत्री ने इस वर्ष बजट घोषणा में ये घोषणा की थी कि वे समस्त कर्मचारी जो 1 जून 2023 के पश्चात सेवानिवृत्त होंगे, उनको सेवानिवृत्ति तिथि से ही समस्त परिलाभ दे होंगे। इसके लिए सिस्टम में आवश्यक संशोधन कर दिए गए हैं, आदेश जारी कर दिया गया है। अब प्रत्येक स्तर पर अलग अलग दायित्व सौंपे गए हैं। कार्यालय अध्यक्ष के क्या दायित्व हैं, ट्रेजरी के क्या दायित्व रहेंगे, एम्प्लॉय खुद के स्वयं कर्मचारी के क्या दायित्व रहेंगे, इन समस्त प्रक्रियाओं को हम अलग अलग वीडियोज के माध्यम से हम समझेंगे। आज का वीडियो केवल कर्मचारियों के लिए हैं जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वो अपने स्तर पर क्या कार्रवाई करेंगे, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में एक डेमो देकर दिखाऊंगा। लाइव उसका डेमो होगा, आप वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को प्रारंभ करें उससे पहले मैं आपको वो आदेश दिखाता हूँ जिसमें ये तथ्य स्पष्ट किया गया है। ये है वो आदेश जिसमें सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को सेवानिवृत्ति दिवस से ही समस्त पेंशन परिलाभों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए विभागाध्यक्ष कार्याध्यक्ष के दायित्व निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार से ट्रेजरी के दायित्व निर्धारित किए गए हैं। पेंशन सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक के दायित्व क्या हैं, उनका निर्धारण किया गया है। कोषाधिकारी के दायित्व निर्धारण किए गए हैं और पेंशन कार्यालय के दायित्व निर्धारण किए गए हैं। इस वीडियो में हम केवल सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक के दायित्वों का के बारे में लाइव डेमो देखेंगे। उनको अपनी सूचनाएं अपने पोर्टल पर कैसे अद्यतन करनी है, संशोधित करनी है, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। पहले इस आदेश में जो तथ्य कहे गए हैं आपको मैं वो एक बार बता दूं कि समस्त पेंशन प्रक्रियाओं में ई पेंशन सेट हेतु कार्मिकों को IFMS 3.0, जो कि वित्त विभाग का एक पोर्टल है, उसमें सेल्फ सर्विस के माध्यम से अपनी सूचनाएं अद्यतन करनी है। कैसे करनी है मैं आपको समझाऊंगा। कार्मिक को इस पोर्टल पर उसकी सूचनाएं 180 दिन पूर्व ही प्रदर्शित होने लग जाएंगी। यहां पर वो अपनी समस्त सूचनाएं जैसे बैंक अकाउंट से संबंधित डिटेल, फोटोग्राफ, संयुक्त फोटोग्राफ, सेवानिवृत्ति तिथि से 60 दिन पूर्व ही कार्यालय अध्यक्ष को अद्यतन करके भेज सकता है। यदि किसी कारण से वो अपनी सूचनाओं को 60 दिवस पूर्व यानी सेवानिवृत्ति से पूर्व नहीं भेज पाता है तो ये सूचनाएं अपने आप ऑटो फॉरवर्ड हो जाएंगी। जो सिस्टम में अवेलेबल होंगी वही सूचनाएं ऑटो फॉरवर्ड कार्यालय अध्यक्ष के पास में हो जाएंगी और कार्यालय अध्यक्ष उसमें संशोधन कर सकेंगे। जैसे ही प्रकरण पेंशन विभाग के पास पहुंचेगा, कार्मिक को यूनिक नंबर सिस्टम में जनरेट हो जाएंगे और कार्मिक को जब PPO नंबर और पेंशन किट जारी होगा तो कार्मिक अपने पोर्टल पर जाकर उसको देख सकता है। ये समस्त प्रक्रियाएं जिसमें हम कार्मिक की सूचनाएं अद्यतन करेंगे आपको मैं बताता हूं कैसे कार्मिक अपनी सूचनाएं अद्यतन करेगा। चलिए उसको हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं। इसके लिए कार्मिक को अपने SSO लॉगिन में ID, पासवर्ड, कैप्चा कोड इंसर्ट करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के आप अपने इंटरफेस पहुंच जाएंगे। यदि आपने पहले IFMS 3.0 पर कार्य किया है तो आपको आइकन यहाँ दिखाई देगा और यदि नहीं दिखाई देता है तो आप अदर एक्टिव एप्स पर क्लिक करेंगे, जहाँ से यहाँ क्विक सर्च का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ IFMS टाइप करके आप सर्च करेंगे तो यहाँ IFMS 3.0 इस प्रकार का आइकन आपको दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल यहाँ पर नाम सहित प्रदर्शित होगी, आपका नाम दिखाई देगा, आपकी फ़ोटो दिखाई देगी और उसके बाद दो टाइल्स आपको दिखाई देंगी, वर्क एक्सेस वर्क स्पेस और एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। मैं आपको बता दूं कि IFMS 3.0 वही आइकन है या वही ऐप है जिसके माध्यम से मैंने पिछले वीडियो में एडवांस सैलरी के प्रोसेस को भी समझाया था, क्योंकि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार 1 जून 2023 से राजस्थान के समस्त कार्मिक अपनी सैलरी का 50% एडवांस ले सकते हैं। उसकी प्रक्रिया मैंने उस वीडियो में समझाई थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको उस वीडियो का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में उपलब्ध करवा दूंगा और वो वीडियो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको उपलब्ध रहेगा।
टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां पर आपको वर्क स्पेस पर कोई कार्य नहीं करना है, एक्सिस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पर आपको क्लिक करना है। एम्प्लॉय एक्सिस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको IFMS 3.0 ऐप का इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ माय इन्फॉर्मेशन का टैब आपको दिखाई देगा, यहाँ माय रिक्वेस्ट का टैब आपको दिखाई देगा और यहाँ आपको अर्न सैलरी एडवांस जिसकी प्रक्रिया मैंने आपको कल समझाई थी, पिछले वीडियो में समझाई थी, उसका ऐप दिखाई देगा। लेकिन हमें अभी यहाँ पर अर्न सैलरी एडवांस के बारे में कोई बात नहीं करनी है। यहाँ आपको आपका नाम, एम्प्लॉय ID, यहाँ इनबॉक्स का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक नया ऑप्शन ओपन होगा। ऑप्शन में एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस का टैब खुलेगा। इस पर जब क्लिक करेंगे आप तो यहाँ दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, ESS और कम्यूटेशन डिटेल। आज हम केवल ESS के बारे में बात करेंगे। ESS का तात्पर्य है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, जिसमें एम्प्लॉय को अपना प्रोफाइल अपडेट करना है। मैं आपको बता दूं कि एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में एम्प्लॉय का प्रोफाइल मुख्यतया उसके SSO ID से और पे मैनेजर से फैच किया हुआ डाटा आएगा। उसमें कुछ डाटा आपको प्रीफिल्ड मिलेगा और कुछ डाटा आपको भरना है। जो डाटा भरा हुआ है उसमें अगर कोई त्रुटि है तो आप उसमें संशोधन करने के लिए आपको जिस माध्यम से वो डाटा वहाँ आया है वहीं जाकर उसको संशोधन करना होगा, और जो डाटा आप नया इनपुट करना चाहते हैं वो इनपुट कर सकते हैं। तो हमें ESS पर क्लिक करना है। ESS पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस के बहुत से टैब ओपन होंगे, जिसमें पर्सनल डिटेल है, एम्प्लॉय की सर्विस है, एड्रेस है, फैमिली डिटेल एंड नॉमिनेशन है, बैंक डिटेल है और पे एंटाइटलमेंट है। इसमें सबसे पहले आपके सामने जो ओपन ऑप्शन है वो है ब्लू कलर में, जो पर्सनल डिटेल के ऑप्शन को आपको फिल करना है, जिसमें आपकी समस्त सूचनाएं जो आपसे निजी हैं, आपकी खुद की हैं, वो आपको फुलफिल करनी है। जो भरी हुई हैं उनमें अगर कोई संशोधन चाहते हैं वो भी करना है, और जो नई भरनी है उसको आप इनपुट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, अपलोड रिसेंट एम्प्लॉय फोटोग्राफ। तो यहाँ अपलोड सेक्शन पर आपको जाना है। ध्यान रखिए कि ये फोटोग्राफ JPG, GIF और PNG फॉर्मेट में ही होना चाहिए और 500 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको अपलोड सेक्शन में अपलोड बटन पर क्लिक करना है। अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो जहाँ भी आपने वो फ़ोटो सेव कर रखी है वो फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। रिसेंट फ़ोटो होनी चाहिए। जिस हमने इस फोटो को अपलोड करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर इस फोटो पर क्लिक किया तो थोड़ी देर बाद में ये फ़ोटो अपलोड हो जाएगी और आपको मैसेज मिल जाएगा अपलोडेड सक्सेसफुली का। ओके के बटन को आपको प्रेस कर देना है। ओके के बटन को जैसे ही प्रेस कर देंगे फ़ोटो आपको यहाँ पर प्रदर्शित होने लग जाएगी, और जब फोटो प्रदर्शित होने लग जाए तो उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे आएंगे तो अन्य सूचनाओं को आपको भरना है, जिसमें से बहुत सी सूचनाएं आपको प्रीफिल्ड मिलेंगी और बहुत सी सूचनाएं आपको भरनी होंगी। मैं आपको एक एक सूचना भर के बताता हूँ कौन सी सूचना आपको भरी हुई मिलेगी। जैसे यहाँ पर आपको एम्प्लॉय की ID दिखाई देगी, यहाँ पर जनाधार ID दिखाई देगी, ये प्रीफिल्ड आपको मिलेगा। मैंने इसको ब्लर किया हुआ है पर्सनल इन्फॉर्मेशन के कारण से। यहाँ पर एम्प्लॉय का आपको नाम दिखाई देगा, यहाँ पर उसका मेल यानी जेंडर दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी यहाँ पर पहले से भरी हुई। लेकिन ये सूचना आपको भरनी है, जैसे कर्मचारी की हाइट कितनी है वो आपको सर्विस रिकॉर्ड से यानी आपके जो सर्विस बुक है उससे उसके फ्रंट पेज पर ये सूचनाएं भरी हुई होती हैं, वहीं से आप इसको भरें। आपका ब्लड ग्रुप क्या है, और सर्विस बुक में ही आपको ये सूचना मिलेगी, आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी आपके शरीर पर वो निशान जिससे आपकी पहचान हो सके उसके उसकी एंट्री यहाँ पर करनी है। इसी प्रकार से यहाँ पर पिता का नाम दिखाई देगा, मदर का नाम आपको भरना होगा, वो भरा हुआ नहीं मिलेगा, आपको भरना होगा। मैं आपको एक कर्मचारी का भरा हुआ फॉर्मेट भी दिखाऊंगा। यहाँ पर कर्मचारी की जो स्पाउस है उनका नाम दिखाई देगा,
डिसेबिलिटी यदि कोई है तो यस और नो आपको मिलेगा। कर्मचारी का ईमेल आईडी यदि कहीं अपडेटेड है तो वो आपको मिलेगा, अन्यथा आपको यहाँ से अपडेट करना होगा। इस कर्मचारी का भरा हुआ था पहले से। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर प्रीफिल्ड मिलेगा। नेशनैलिटी आपको सेलेक्ट करनी है यहाँ से। नेशनैलिटी सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शन में जाना है, इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर स्टेट आपका राजस्थान आ जाएगा, जयपुर आ जाएगा। होम टाउन आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि आपका होम टाउन कौन सा है जयपुर में, तो जो भी आपका होम टाउन है वो आप सेलेक्ट कर लें। और SC ST OBC में से किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो वो सेलेक्ट कर लें यहाँ से। ये सूचनाएं भरने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा, मैंने आपको सब सूचनाएं बता दी हैं। अब यहाँ रिलीजन की बात करते हैं तो नीचे आपको रिलीजन सेलेक्ट करना होगा कि आप किस रिलीजन के हैं। तो हिंदुज्म है तो हिंदू सेलेक्ट कर लें, मुस्लिम है तो मुस्लिम सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर आपको पैन नंबर मिलेगा कर्मचारी का, कर्मचारी का पैन नंबर यहाँ पर अपडेटेड मिलेगा आपको। और यहाँ पर आधार नंबर का रेफरेंस नंबर मिलेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ जो नंबर है वो आपका आधार नंबर नहीं होगा, उसका रेफरेंस नंबर। और ये रेफरेंस नंबर वो है जो आपके SSO लॉगिन में के प्रोफाइल में अपडेटेड है, आप उसको वहाँ से मैच कर सकते हैं। फिर यदि आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर आप। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप में आपको 3 या 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सेवानिवृत्त कर्मचारी से कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। पहली चीज़ तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट दिखाई देंगे जो अपलोड करने हैं आपको। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में आप 10वीं की अंक तालिका अपलोड कर सकते हैं। आधार नंबर, आपको आधार नंबर की PDF आपको अपलोड करनी है। ज्वाइंट फोटोग्राफ, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखाऊंगा कोई सा भी। और हर डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, जिससे नया डॉक्यूमेंट आप ऐड कर सकें। चलिए मैं आपको एक ज्वाइंट फ़ोटो अपलोड करके दिखा देता हूँ डमी। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे फ़ोटो को, जो भी फ़ोटो है, मान लीजिए हमने यही फ़ोटो ज्वाइंट फोटोग्राफ के रूप में पति पत्नी की जो भी फ़ोटो है वो आपको अपलोड करनी है। मैं आपको एक फ़ोटो, जैसे ये फोटोग्राफ है, इसको ज्वाइंट फ़ोटो को हमने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद में ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में ऐड न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है तो ये फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है और अपलोडेड डॉक्यूमेंट आपको नीचे दिखाई देगा। यदि आपको लगता है कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो गलत है तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से व्यू करके भी देख सकते हैं। और इसके बाद, इतना करने के बाद आपको सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर देना है। सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। मैं आपको एक कर्मचारी की भरी हुई सूचना दिखा देता हूँ। ये अन्य कर्मचारी हैं जिनके हाइट यहाँ पर देखिए, सर्विस बुक से भरी हुई 172 सेंटीमीटर है। ब्लड ग्रुप इनका A है और जो आइडेंटिफिकेशन निशान है, मार्क है, वो है मॉल ऑन लेफ्ट एल्बो। माता जी का नाम उन्होंने भरा हुआ है। और यहाँ पर नेशनैलिटी वगैरह जो आपको मैंने बताई थी वही सिलेक्ट करनी है। और यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट इन्होंने देखिए अपलोड कर रखे हैं, और ज्वाइंट फोटोग्राफ है, पैन कार्ड है, आधार नंबर है। यहाँ आप किसी डॉक्यूमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट के बटन पर प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर सेव ड्राफ्ट जब क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा। देखिए क्या मैसेज मिलता है, ड्राफ्ट सेव सक्सेसफुली और रिक्वेस्ट आईडी आपकी जनरेट हो जाती है 83। ओके ओके बटन प्रेस करेंगे और नेक्स्ट बटन पर हम चलेंगे तो हम नए सेक्शन में चले जाएंगे। यहाँ तक का कार्य करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन क्लिक कर देना है। मैसेज मिलेगा ड्राफ्ट सेव सक्सेसफुली का। इस सेक्शन में आपको एम्प्लॉय की सर्विस डिटेल के बारे में भरना है। यहाँ से आप उसकी कैटेगरी के बारे में सेलेक्ट कर सकते हैं कि रेगुलर है, वर्क चार्ज है, या जो भी उसके ऊपर लागू हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। तो मैंने यहाँ रेगुलर सेलेक्ट किया हुआ है। फिर यहाँ पर कर्मचारी परमानेंट है, प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल ट्रेनी है, वो सेलेक्ट करना है। वर्तमान स्थिति क्या है उसकी, एक्टिव है, डेथ है, डेपुटेशन है, एक्सटेंशन है, वो सेलेक्ट करना है। यहाँ से सर्विस टाइप कैटेगरी में सबॉर्डिनेट, स्टेट सर्विस, जो भी आपको योग्य हैं वो सिलेक्ट करना है। राजस्थान सबॉर्डिनेट सर्विस यहाँ से सिलेक्ट किया जाएगा क्योंकि सबॉर्डिनेट सर्विस हमने सिलेक्ट किया है। इसी प्रकार से राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑप्शन भी आपको यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा यदि आपने सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्ट किया है, क्योंकि अन्य ऑप्शन है इंडियन सर्विस के लिए, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, इसको आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर आपको नियुक्ति का प्रकार सिलेक्ट करना होगा। यदि आप ऐसे कर्मचारी जिसकी नियुक्ति 1/1/2004 से पहले हुई तो आपको ये सिलेक्ट करना है, बिफोर 1/1/2004। यदि आपकी नियुक्ति 1/1/2004
और वर्तमान में एनपीएस को हटाकर जब ओपीएस लागू हुई है उस समय की तिथि यानी 31 दिन 22 के बीच आपकी नियुक्ति हुई है तो आपको ये सिलेक्ट करना है, और यदि इसके बाद नियुक्ति हुई है तो आपको तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जो भी अप्रोप्रिएट आंसर है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड सर्विस आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से सभी चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है यहाँ पर, और एक भी कॉलम आपको खाली नहीं छोड़ना है। ये सब करने के बाद में आप जब स्टेप बाय स्टेप आएंगे तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑर्डर पूछेगा कि आपकी नियुक्ति का जो ऑर्डर है उसका क्रमांक लिखिए, तो आप यहाँ पर क्रमांक लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्रमांक जो भी कर्मचारी का क्रमांक है। उसके बाद में यहाँ पर उसकी नियुक्ति तिथि, और नियुक्ति तिथि के बाद में आपको यहाँ नियुक्ति तिथि सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा, और कैलेंडर में से आप तिथि को सिलेक्ट कर लें। अब एलिमेंट्री एजुकेशन में है या किस डिपार्टमेंट में आपकी नियुक्ति हुई थी वो डिपार्टमेंट का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में वर्तमान में ये नियुक्ति के समय की जानकारी थी, और अब वर्तमान की जानकारी पूछी जा रही है कि वर्तमान में आप किस विभाग में हैं, तो वर्तमान में ये कर्मचारी सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, तो यहाँ से सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया, और फिर आगे सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया, उसमें जिला सेलेक्ट कर लेंगे हम, डिस्ट्रिक्ट। अब ये नियुक्ति किसने दी है, तो जो एलिमेंट्री एजुकेशन के डीओ थे तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। नियुक्ति किस पद पर हुई थी वो पद सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, थर्ड ग्रेड सेकेंड ग्रेड जो भी आपका पद हो वो यहाँ से मेनू में से आपको सेलेक्ट कर लेना है। वर्तमान में आप किस पद पर हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, इस संस्था में आप कब आए हैं, इस डेजिग्नेशन पर आप कब आए हैं, तो यहाँ कैलेंडर से वो तिथि सेलेक्ट कर लेनी है यदि आपको ये तिथि गलत दिखाई देती है तो, अन्यथा ये सब आपको प्रीफिल्ड मिलेंगे, भरे हुए मिलेंगे। आपको केवल यहाँ पर जो कॉलम आपको भरे हुए नहीं मिले उनको आपको भरना है, बाकी अन्य जो भरे हुए कॉलम हैं उनमें आप कोई संशोधन करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्राण नंबर, जीपीएफ नंबर, स्टेट इंश्योरेंस नंबर, आरजीसी कार्ड नंबर की जानकारी भरनी है। ये सब भरने के बाद में आप नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करके, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। यहाँ पर अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ, और अपलोड करने की प्रक्रिया वही है जैसे हमने पिछले सेक्शन में अपलोड किए थे। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर, दूसरा है कंफर्मेशन लेटर, और तीसरा है ज्वाइनिंग लेटर। तो ये तीन लेटर यहाँ पर अपलोड होंगे, मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, आप देखिए। यहाँ अपलोड होने के बाद ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको यहाँ प्रदर्शित होने लग जाएंगे, और उसके बाद में वही सेव एंड ड्राफ्ट पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड ड्राफ्ट पर जैसे क्लिक करेंगे आपको मैसेज मिलेगा, ड्राफ्ट सेव सक्सेसफुली, ओके के बटन आपको प्रेस कर देना है। अब आपको नेक्स्ट बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट सेक्शन पर चले जाएंगे, ड्राफ्ट सेव सक्सेसफुली। यहाँ पर आप तीसरे सेक्शन पर आ चुके हैं, तीसरे सेक्शन में आपको अपने एड्रेस से संबंधित जानकारियां भरनी है, या तो आपको ये पे मैनेजर से प्रीफिल्ड भरी हुई मिलेगी, नहीं भरी हुई मिलती है तो आप यहाँ से भर भी सकते हैं, और एड्रेस भरने के बाद आपको वही प्रक्रिया अपनानी है, वेरीफाई एंड स्कैन। यहाँ पर वेरीफाई स्कैन करने के बाद वेरीफाई एंड सेव, माफ कीजिएगा, वेरीफाई एंड सेव करेंगे तो आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी से वेरीफाई करना है आपको इस एड्रेस को, क्योंकि आपके पीपीओ पर यही एड्रेस आएगा, इसलिए आप इसको ध्यान पूर्वक वेरीफाई करें कि एड्रेस आप जो दे रहे हैं वो सही है अथवा गलत है। तो वेरीफाई और सेव करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा जिसको आपको इंसर्ट करना है, ओटीपी से इसको वेरीफाई करेंगे तो ये एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसको वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी वेरीफाई नहीं करना है, इसलिए मैं इंसर्ट ओटीपी पर ओटीपी इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो अगले सेक्शन में हम चले जाएंगे, वहाँ की सूचनाओं को हमें भरना होगा। नेक्स्ट बटन पर जैसे हमने क्लिक किया तो आपके सामने एम्प्लॉय की फैमिली डिटेल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ये फैमिली डिटेल वही है जो आपने पे मैनेजर पर अपडेट कर रखी है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें अधिकांश सूचनाएं या तो एसएसओ आईडी से उठाई हुई हैं या पे मैनेजर से उठाई हुई हैं। तो आपका पे मैनेजर यदि और एसएसओ आईडी यदि अपडेटेड है तो आपकी यहाँ समस्त सूचनाएँ सही मिलेंगी, आपको उसके लिए कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि फिर भी कोई त्रुटि हो तो आप उसको संशोधन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस केस में यहाँ पर फैमिली डिटेल दी हुई है, यहाँ पर पिताजी का नाम है, पुत्री का नाम है, वाइफ का नाम है, कर्मचारी की मदर का नाम है, उनके डेट ऑफ बर्थ वगैरह दी हुई है। आप यहाँ पर दो कॉलम खाली आ रहे हैं, जनाधार आईडी और मेंबर आईडी। तो इसको संशोधन कैसे करेंगे, आप यहाँ चले जाइए, जैसे वाइफ की आईडी ही डालनी है तो आप एडिट कीजिए उसको, यहाँ पर पेंसिल का निशान है उसको एडिट कीजिए, तो वहाँ से अपने आप वाइफ की आईडी उठा लेगा। यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक करेंगे हम, एडिट बटन पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होता है।
तो यहाँ पर आप जनाधार आईडी को डाल दें, मेंबर आईडी अपने आप या तो उठाता है ठीक है, नहीं तो नाम यहाँ पर इंसर्ट कर दें, रिलेशन लिख दें, डेट ऑफ बर्थ डाल दें और मेल फीमेल अपने आप आ जाएगा वहाँ से जहाँ से हमने एडिट बटन क्लियर किया है। यहाँ से आपको मैरिड सेलेक्ट कर लेना है और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यस और नो सेलेक्ट कर लेना है, और डिपेंडेंट यस आप आश्रित हैं तो यस करें, और एम्प्लॉयड और नॉट एम्प्लॉयड में से आपको सेलेक्ट करना है, ऐड बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ऐड बटन पर क्लिक करेंगे वहाँ पर जनाधार आईडी और जनाधार संख्या प्रदर्शित होने लग जाएगी। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो वाइफ के नाम के आगे जनाधार का कॉलम खाली आ रहा था वो अब भर चुका है, यहाँ पर मैंने ब्लर किया हुआ है, जनाधार मेंबर आईडी भी आ चुकी है यहाँ पर। इस प्रकार से आप अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, उनमें कोई संशोधन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। नीचे हम आएंगे तो आपको यहाँ पर नॉमिनी सेलेक्ट करना होगा, यानी आप हर केस में किसको नॉमिनी सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, एरियर के लिए, कम्यूटेशन के लिए, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, जनरल प्रोविडेंट फंड के लिए और ग्रेजुटी के लिए। इसके अलावा भी और प्रकरण होंगे, फैमिली पेंशन, ग्रुप इंश्योरेंस, न्यू पेंशन स्कीम, जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के लिए आपको नॉमिनी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम जैसे कम्यूटेशन के लिए एक बार मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, कम्यूटेशन के नॉमिनी हमने वाइफ को सेलेक्ट कर लिया, शेयर 100% यहाँ पर शो कर देंगे हम और ऐड कर देंगे। इसी प्रकार से आपको सभी को ऐड करते जाना है और जिसका आप ऐड करेंगे वहां पर नाम यहाँ पर प्रदर्शित होना चालू हो जाएगा। सेव एंड ड्राफ्ट कर देना है इसको, सेव एंड ड्राफ्ट, आपको मैसेज मिलेगा ड्राफ्ट सेव सक्सेसफुली। अब आप नेक्स्ट सेक्शन पर आ चुके हैं जहाँ आपको बैंक डिटेल को अपडेट करना होता है। बैंक डिटेल आपको दिखाई देगी पहले से भरी हुई, आप उसको चेक कर लें और उसको संतुष्ट होने पर वेरीफाई और सेव के बटन को क्लिक कर दें। आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी आएगा तो उस पे आपको उसको वेरीफाई करना होगा, लेकिन मुझे वेरीफाई नहीं करना है क्योंकि मैं अभी ये डिटेल सबमिट नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ इसको सिंपली वेरीफाई करता हूँ जिससे ये वेरीफाई नहीं होगा क्योंकि मैंने ओटीपी इंसर्ट नहीं किया है। और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी पे संबंधी डिटेल यानी वर्तमान में जो आप पेमेंट प्राप्त कर रहे हैं उसकी डिटेल आपको दिखाई देगी, उसको आप एक बार चेक कर लें वो डिटेल सही है या नहीं है। उसके बाद सबमिट के बटन को प्रेस कर देंगे, जैसे आप सबमिट के बटन को प्रेस करेंगे आपकी रिक्वेस्ट आपके डीडीओ तक पहुंच जाएगी। तो मैं यहां से इसको अभी सबमिट नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको प्रक्रिया समझा दी है। संपूर्ण प्रक्रिया यही है कि एक पेंशनर जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं वो 60 दिन पूर्व अपनी सूचनाओं को कैसे अपने पोर्टल पर अपडेट करेंगे ताकि उनको सेवानिवृत्ति तिथि के दिन पेंशन सुविधा का लाभ मिल सके। अब उसके बाद में जब हम EIS पाएंगे जो हमने अपडेट कर दिया है, अब डैशबोर्ड पर जब जाकर देखें चेक करेंगे तो हमें वहाँ पर वो सूचना दिखाई देगी। रिक्वेस्ट के अंदर यानी माय रिक्वेस्ट में हम जब जाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माय रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन है उसमें आपको रिक्वेस्ट आईडी आपको दिखाई देगी। अब यहाँ आपको दिखाई देगा यूजर के यहाँ पेंडिंग है क्योंकि हमने सबमिट नहीं किया है। फॉरवर्ड कर देंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपने फॉरवर्ड कर दिया है, और जब अप्रूव होगा तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपका आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है, और यदि आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है डीडीओ के माध्यम से तो यहाँ पर रिजेक्टेड में आपको वो चीज़ दिखाई देगी। अभी हमने इसको फॉरवर्ड नहीं किया है इसलिए पेंडिंग दिखाई दे रहा है यूजर के यहाँ, क्योंकि मुझे ये डिटेल सबमिट नहीं करनी थी, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।